वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज बहुत ही अच्छा दिन था, आप देख रहे होंगे धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। आज टेम्परेचर 16 डिग्री है और यहाँ पे 16 डिग्री का मतलब है मतलब इंडिया का अराउंड 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा, सॉरी मैं पीछे ही, हम सेवरन रिवर की साइड में ही घूम रहे थे, तो मैं और उज्जवल सेवरन रिवर की साइड में ही घूम रहे थे। आज सभी बाहर आए हुए हैं मोस्टली, इतनी भीड़ भड़ाका नहीं देखने को मिलता भाई इन शहरों में, वो इसलिए है आज धूप निकली हुई है। सैटरडे वैसे है, छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे वीकेंड पे सब बैठ के अपना साइड में बियर वियर पी रहे हैं। यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे वीकेंड मनाने का मतलब है बियर वियर पी, बियर पी जाए हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, आज आपको दिखाता हूँ मैं आगे आगे। ये मैं काफ़ी दिन से मतलब सोच रहा था कि रेगुलरिटी लेके आऊँ, मैं मोस्टली डालता हूँ हफ्ते में एक या दो व्लॉग्स, अब मैं सोच रहा था रेगुलरिटी लेके आऊँ, कम से कम 4 या 5 व्लॉग डालूँ एक वीक में। ऐसा संभव है नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कभी इंटर्नशिप का काम करता हूँ, कभी अलग तरह का काम करता हूँ, अपने पर्सनल भी हो जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन 4 वीडियो तो मिनिमम मैं टारगेट कर रहा हूँ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आनी चाहिए, 4-4 वीडियो पर वीक, 4 वीडियोज। यहाँ पे रिवर साइड के साइड में ये एकोमोडेशन है भाई, रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे शाम को बैठ के अपना पार्क वार्क में व्यू अच्छा रहता है यहाँ का। लेकिन मैंने कुछ ही दिन पहले डाला था कि बाढ़ आई हुई थी यहाँ पे, इसमें तो ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है पानी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन वैसे सब बढ़िया है, सब कुछ राधे राधे है। हमारे इंडिया में छुट्टी का क्या मतलब होता है, चलो पकोड़े हो जाए, चाय पकोड़े। अगर गर्मी है आज क्या किया जाए, चलो तसल्ली तो नहा लिया जाए। तसल्ली तो नहा लो भाई। देखो मैं कह रहा था भाई, यहाँ छोटे छोटे वो बनाए हुए होते हैं, यहीं बैठ के अपना पब है, रेस्टोरेंट, थोड़ा सा बारबेक्यू का काम चल रहा है, मतलब समझ सकते हो आप भाई, यही इंजॉयमेंट होता है इनका, पूरा हफ्ता कमाया फ्राइडे तक, सैटरडे संडे नहीं उड़ाया नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खर्च तो वीकेंड पे हम भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा अलग कल्चर है, इनका कल्चर है आओ पब में बैठो बाहर ऐसे ही रोड साइड में और अपने फ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बियर पियो मज़े करो। तो आपको भाई यही दिखाने की कोशिश है कि भाई जहाँ मैं रहता हूँ या इंग्लैंड में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, आपको दिखाऊँ कि कल्चर कैसा है यहाँ का, नेचर और यहाँ के लोग किस तरह का रहन सहन है इनका। तो मैं कंटिन्यूस कोशिश करता रहता हूँ, आपको भी कोशिश करते रहना चाहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। यहाँ पे चैनल है मतलब वोटिंग वगैरह के लिए है ना, ये छोटा सा पुल बना हुआ है भाई, ये मेन रिवर है, यहाँ से छोटा वो बनाई हुई है बोट वगैरह के लिए। और यहाँ पे सब रेजिडेंशियल एरिया और पार्क है, ये सारा ये रेजिडेंशियल एरिया है जितना भी है, और यहाँ पे साइड में बस पार्क है इनके सामने, व्यू अच्छा है यहाँ का और ये लोकेलिटी भी अच्छी है। तो चलो आगे व्लॉग में दिखाते हैं भाई, आज दिन दिल खुश करने वाला दिन है, और जो मैंने कल मेरी लास्ट वीडियो है होली वीडियो भाई, उसे ज़रूर देखो, हमने बहुत मज़े करे हैं कल,
कल हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करी थी दुलांडी, होली के बाद हम जो खेलते हैं, काफ़ी मतलब वी हैड लॉट्स ऑफ फन टू बी ऑनेस्ट। तो आप ज़रूर देखें उस ब्लॉग को, पूरा माहौल बनाया हुआ है भाई ताइयों ने, साइड में बैठी देख मान जताई बियर कोल रखी। ताई ने खोल रखी थी भाई बियर, जना रेड वाइन मान नहीं रही। मैं कह रही मौसम ठीक हो रहा है, यहाँ शायद शादी वादी चल रही है ना, इस साइड में क्या चल रहा है, गैदरिंग चल रही है शायद, शादी है भाई यहाँ पे। आज पूरी चहल पहल है यहाँ, ये मौसम का एंजॉय लेता है पूरा, क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा ही कम बार होता है, बहुत बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं इन्हें जहाँ पे अच्छा मौसम मिलता है इन्हें। तो भाई हम भी मौसम का मजा उठा रहे हैं इनके साथ साथ ही। मैं और उज्ज्वल निकल के आ गए, असाइनमेंट बना रहा था ये, मगर असाइनमेंट तो रात को बना लिए, घूम के आते हैं अपना बढ़िया। और घूमने में मज़ा भी पूरा आ रहा है भाई, ये देखो पीछे क्लब व्लब बढ़िया मज़े चल रहे हैं इनके। और भाई मैंने और उज्ज्वल ने कल ही बर्मिंघम में जाके द कश्मीर फाइल्स लगी हुई है बर्मिंघम मॉल में, वो देखी है, जाके देखो सब लोग, और बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो मतलब कह नहीं सकते कि रियलिटी है वो, तो जो भी हुआ है कश्मीर में। और हम भाई पूरा वो करते हैं कि आप सभी जाओ इंडिया में और जाके देखो, हम यहाँ पे काम छोड़ के वूस्टर में वहाँ बर्मिंघम गए, एक घंटा लगा कर रहे हैं और उसे देख के आए, सिर्फ इसी काम के लिए गए थे हम। तो भाई सभी इस तरह की चीज़ें हम नहीं प्रमोट करेंगे देखने के लिए, लोगों को नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा, और ये हमारा फर्ज बनता है भाई, सभी जाओ और देख के आओ। और मैं जानता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग मेरे दोस्त मुझे हो सके क्रिटिसाइज करे इस बात को लेकर, और वे कहेगी भाई यू भी गलत इंसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी जाओ और देखो भाई वो, मतलब हमें रियलिटी का पता होना चाहिए कि पास्ट क्या था, और पास्ट से हमें लर्न भी करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो सभी जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि जाओ और देखो। और बहुत सारे यूट्यूबर है जैसे गौरव तनेजा है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, उन्होंने तो भाई में दिखा रहा है फ्री में टिकट दिया है और पीवीआर बुक करे हैं, मतलब हॉल, ये सिनेमा हॉल बुक करे हैं लोगों के लिए कि भाई जिसके पास पैसे नहीं हम दिखाएंगे। तो भाई सभी देख के आओ, अगर सभी इसे मतलब जोर दे रहे कि मतलब जैसे यूपी में टैक्स फ्री कर दी, गोवा में हर जगह ये टैक्स फ्री हो रही है मूवी, और मोदी जी ने तो कहा ही है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे तो मतलब भाई सभी जाओ देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मतलब आप गए हो या नहीं गए हो। ये मूवी तो है नहीं, अब तुम्हें भाई इसमें इंजॉयमेंट आएगा, तुम सच्चाई देखने जाओगे, और देख के हमें भी बताओ भाई कि हाँ हमने देखी है ये मूवी। ओके तो अब आपको अगला मतलब फर्दर व्लॉग में दिखाते हैं, आप माहौल देखो। साइज का तो खेल मैं आपको बताऊं भाई, आप सही करो जब आप गलत हो, और आप गलत करो तब भी आप गलत हो। सही वो ही है जो पावरफुल है, सही वो है जिसने खुद को देखने दिया जब तो वो छुप गया, उसने गलत काम करे, ठीक है। तो सही और गलत का ज़्यादा ध्यान न रखते हुए भाई, जो अपने बड़े कह रहे उनकी बात भी सुननी ज़रूरी है, और अपने अपने विचार भी रखने बहुत ज़रूरी है। तो जाओ देखो कश्मीर फाइल्स, और उससे लर्न करो कि भविष्य में ऐसा ना हो, कुछ गलत स्टेप उठाना ये इस तरह की मूवी देख के, या फिर कुछ हंगामा करना कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे लर्न करना सोल्यूशन है। उसके लिए हम फर्दर क्या करें कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, तो ये ज़रूरी है भाई। तो
इसी बात को यही मैं कहूंगा देख क्या, और इसको बात को यही रखते हुए आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं भाई। पब है, रोड साइड पब है, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और सब अपने डॉग वगैरह लेके आ रहे हैं भाई। देखो ये सेवरन रिवर है साइड में ही, और यहीं पे सभी अपना बियर वियर मंगा के अपना यही वाइन वगैरह हो रही है। यहाँ पे इंडिया वाला काम नहीं है भाई, अब 40% एल्कोहल वही होती है, 2-4% एल्कोहल, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ नशे से ज़्यादा लोग सोशल, मतलब सोशल होना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब दारू के बहाने कि भाई चलो बियर पीते हैं। यहाँ की बियर में 3% एल्कोहल होती है, तो मैं आपको पता ही है गैस स्टेशन पे मैं कैशियर की जॉब करता था, तो मैं सेल करता था, मुझे पता है सब, मैं पीता तो हूँ नहीं। हम इंडिया में, इंडिया तो बहुत ही कम पीते हैं, मैं देखते हैं जो यहाँ पे आते हैं बहुत ही कम, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ की 3% एल्कोहल, यहाँ बैठ के सिर्फ सोशल, मतलब बात करना इंजॉय करना यही पसंद करते हैं लोग। यहाँ ऐसा नशा नहीं होता जैसे इंडिया में, अकबर लट बज रहे हैं पी के। चलो आगे चलते हैं भाई, आज मुझे प्राइमार्क में भी जाना था, वहाँ देखते हैं कुछ खरीद के लाते हैं ट्राउजर वगैरह। ये भी भाई सेवरन रिवर के पास ही है, ये भी देखो ये पार्क सब बनाया हुआ बहुत अच्छा, सभी बैठ के यहाँ पे भी अपना धूप सेक रहे हैं। कितनी हरियाली चमकती है भाई धूप में, अगर धूप ना होती तो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ऊपर चलते हैं, ऊपर से अच्छा व्यू आएगा। बुडुडू खेल रहे तो यहां से व्यू दिखाता हूं मैं आपको। ये साइड में रिवर है, बच्चे पूरे मजे लेते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे प्राइमार्क में आए हैं हुए हम ट्राउजर के लिए, लेकिन कोई अच्छा सा ट्राउजर मिला नहीं आज। यहाँ पे जीन्स वगैरह तो फिर भी है वैरायटी में, ट्राउज़र तो बिल्कुल भी नहीं इतने, तो अभी के लिए तो मना ही करनी पड़ेगी, हमें वापस ही जाना पड़ेगा। कोई दिखा बढ़िया था कोई भी अच्छा सा ट्राउज़र नहीं है, कार्गो की भी है यहाँ पे, कार्गो है 11 pounds। ये चप्पल है भाई 8 pounds की, शूज वगैरह देख सकते हो 12 pounds 9 2, पता नहीं क्या क्या, पर जिसे जिस चीज को लेने आए थे वो ही नहीं मिली। वापस चलते हैं भाई घर की तरफ। तो बाहर निकल गए भाई, बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, प्राइमार्क में तो कुछ मिला नहीं, बाकी आप कल काफ़ी व्लॉग्स आएंगे चैनल पे, हफ्ते में 4 या 5 जितने भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।